brought to you by Techno Camon 30 series. Prediction, because ultimately it is the will of the people who will prevail, which will prevail. But I want to just request the counting agents in all the constituencies where they are present. मैं सभी counting agents से आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक पूरा चुनाव खत्म न हो, जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री न मिले, वहां से वो उठे नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी पूरी संख्या, पूरी काउंटिंग पेनल्टीमेट राउंड से पहले होनी चाहिए। ऐसा न हो कि दसवां या आखिर का चरण की काउंटिंग हो जाए और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ना हो। ऐसा मत होने दीजिए, ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आप सब चौकन्ने रहिए, क्योंकि जो गोदी मीडिया के द्वारा झूठ और फरेब फैला सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो आप इस बात पे चौकन्ने रहिए। तीसरी बात जो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको हर जल्दी से जल्दी आंकड़े अपडेट करने चाहिए। पीछे मैंने देखा कि लगभग आध घंटा उन्होंने आंकड़े अपडेट नहीं किए, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहो। ये बहुत जरूरी है ताकि जनता को पता चले कि रुझान किस तरफ है और कितनी सीटों में कितने दलों के रुझान हो रहे हैं। ये तीन बातें बहुत बहुत जरूरी हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि आखिर नतीजा क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इतना जरूर है और मैं गोदी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे तो गोदी मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं दिखा रहा था, कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे थे, और जब पीटीआई ने ट्वीट किया तब उन्होंने दिखाना शुरू किया, तो ये ठीक नहीं है। और पहले उनके एक तरफ तस्वीर थी राहुल गांधी की, दूसरी तरफ थी मोदी जी की। अभी तस्वीर राहुल गांधी है और दूसरी तरफ नड्डा जी हैं, साफ ये भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप कितनी भी गोदी मीडिया हो जाइए, इतना भी ना घुसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी जवाबदेही होगी ना। द टाइम विल कम नो मैटर व्हाट हैपन्स दैट यू विल हैव टू आंसर, ऑल द मीडिया चैनल्स विल हैव टू आंसर as to how they got these results and how they manipulated, if at all they manipulated. I don't know, they may still get 400, I don't know. But if they don't, somebody will have to answer. What is the role of money? What is the role of the corporate sector? What is the role of the political party in manipulating these results? Is that an offense? Is that an offense? I don't know. These are questions that have to be asked, because exit polls one after the other, not an exception, except for one or two, showed a runaway victory. But the fact of the matter is, any government ultimately is answerable to the people. The government is not supreme; it is the people of India in a democracy who are supreme. And you can't fool the people all the time. You can fool the people some of the time. And the lies that were spread and the hate mongering that was done. अगर उनकी 239 सीटों पे अभी रुझान उनका चल रहा है, तो निश्चित रूप से 303 तक तो आने नहीं वाले, 303 तक भी नहीं आने वाले। बात तो 360 की हो रही थी, 400 की हो रही थी, 370 की हो रही थी। और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जो मीडिया के माहिर हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या साइंटिफिक रिसर्च रहा होगा, ये तो मैं मतलब के हैरान हूं। वो शायद
सभी को तो गलती नहीं लग सकती, कोई ना कोई तो उनमें से ठीक होगा। अगर सभी को ही ऐसी गलती लग रही है, ऐसा एग्जिट पोल सभी दे रहे हैं, तो फिर तो दाल में कुछ ना कुछ काला है ना, कि सभी की इस बात में रजामंदी कैसे हो गई, वो तो अलग अलग अपने करते हैं, एग्जिट पोल अलग अलग करते होंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म एग्जिट पोल लग रहा था। और मतलब ये गुजरात में आपको मालूम है कितने लोगों को धंधों में फायदा हुआ होगा, सेंसेक्स बड़ी फायदा हुआ, तो मतलब कि ये लोग हारते हारते भी फायदा करा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट यू थिंक थ्री टॉप इश्यूज व्हिच इज द पीपल आर वोटेड अगेंस्ट बीजेपी? बेरोजगारी नंबर वन, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। इन्होंने युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं कहा, किया कुछ भी नहीं किया, और खास तौर में शिक्षा के आधार में इन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए कि रोजगार मिले लोगों को। पहला सबसे बड़ा मुद्दा वो। दूसरा मुद्दा प्राइस इन्फ्लेशन, और ऐसी इन्फ्लेशन, एक तो लोगों की आमदनी कम हुई, मिडिल क्लास की आमदनी तो उतनी रहती है, चीजों के भाव बढ़ गए तो इसमें तो खर्चे में कम खर्चे खर्चने के पैसे कम थे, और गरीब आदमी तो त्रस्त हो गया, तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। तीसरी बात जो इन्होंने धांधलेबाजी पैसे से की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जिस तरह से अपनी इन्होंने संस्थाएं बनाई है, और जिस तरह से करप्शन की बात करते हैं, और जितने ये लोग करप्शन में मिले हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाते थे करप्शन का, उनको इन्होंने शामिल कर लिया अपने मंत्रालय में, उनको पद दे दिए, लोग बेवकूफ तो हैं नहीं, तो ये एक बड़ा भारी कि करप्शन इनके राज में बढ़ चुका है। चौथा मुद्दा करप्शन का था, और पांचवा मुद्दा लोगों को इस बात का बड़ा रोष है कि आपने चुनी हुई सरकारें गिराई, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जनता भी जानती है कि कितनी सरकारें इन्होंने गिराई, ऐसे जनता कभी माफ नहीं करती। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, इन्होंने संस्थाओं पे कैप्चर कर लिया, संस्थाओं में कब्जा कर लिया, और अगर संस्थाओं में आप कब्जा करोगे तो निश्चित रूप से जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो ये भी देखना होगा कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जो तैयार थी कि उनका कोई कब्जा कर ले। देखिए, कोई भी संस्था एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, ठीक है ना, वो देश के लिए होती है। तो जब भी संस्था कोई भी हो, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के काम लगा के वो उसी का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इस देश का मतदाता लोकतंत्र को बचाना चाहता था। सर, दो तीन जो सवाल उठते हैं नंबर्स के बारे में, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का जो नंबर है वो इस वक्त आ चुका है 236, कांग्रेस 97, समाजवादी पार्टी 35, तृणमूल कांग्रेस 32, डीएमके 21, तो कुल मिलाकर जो नंबर है अगर इंडिया ब्लॉक का भी गिनते वो भी पहुंच नहीं रहा है उसके पार में। जी हाँ। और इधर जो है एनडीए में अगर हम टीडीपी को गिनते हैं, जेडीयू को गिनते हैं, शिवसेना शिंदे कैंप को गिनते हैं, शरद पवार कैंप उसको रियल जो भी एनसीपी उसको गिनते हैं, तो नंबर्स कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। तो आपको लगता है क्योंकि के जेडीयू और टीडीपी और ये सब मिलके एक्सेप्टेबिलिटी होकर एनडीए दोबारा सरकार बनाएगी अभी, या कोई अभी भी क्योंकि नंबर स्कीम जो है अभी ऑन है तो कुछ चेंजेस भी नहीं? देखिए, ऐसा है कि कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, अगर कोई भी गठबंधन, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या
या इंडिया का गठबंधन हो, अगर राष्ट्रपति के पास जाएंगे और कहेंगे कि देखिए बीजेपी अगर जाए कहे मेरे 236 हैं, अगर ये रुझान ठीक रहते हैं तो मालूम नहीं अंतिम रिजल्ट क्या होगा, अगर ये रुझान अंतिम एंड तक ठीक रहें और मालूम नहीं ये रुझान ठीक भी हैं या नहीं, बिकॉज अभी तो पता चलेगा, अगर वो जाकर राष्ट्रपति जी को कहें कि देखिए हमारे 236 हैं और ये लोग जिनसे वो लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर आए तो हम सरकार बना सकते हैं, तो उस पर राष्ट्रपति जी निर्णय लेंगे। अगर इंडिया ब्लॉक भी जाकर कहे कि हमारे पास ये भी लोग हैं, तो जो भी जाकर कहेगा कि हमारी बहुमत है तो उसको निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी को इस स्थिति में किसी एक पार्टी को नहीं बुलाना चाहिए। मतलब ये कहें कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आधार पर राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना चाहिए, जब तक कोई भी गठबंधन जाकर ना कहे कि हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ऐसे बुलाओगे तो निश्चित रूप से वो धांधलीबाजी होगी, खरीदो फरोख्त होगी, तो ये काम राष्ट्रपति जी को नहीं करना चाहिए। और ये राष्ट्रपति जी का कर्तव्य है, उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि ऐसी उनको एक स्थिर सरकार लेनी है, और अस्थिरता आप पैदा कर लोगे अगर आप किसी एक पार्टी को बुलाकर कहोगे कि तुम सरकार बनाओ जब उसके पास सपोर्ट नहीं है। सर, यू कैन बी अ पोस्ट पोल अलायंस ऑल्सो, यू सी एनी अलायंस वेदर इट्स प्री पोल और पोस्ट पोल, एज लॉन्ग एज इट हैज अ मेजोरिटी राइट कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली It's too early for me to even comment on this because I don't know what the final numbers are. And sir, about the UP, because as if you look at the TDP, you look at the JDU. We've seen situations in the past. Sure. Right. So TDP is at 16 and JDU is at 40. That's 30. That's 30. If you take away 30, they can't form the government. So anyway, so I think these are. But let's move on to some other states also, sir, like Uttar Pradesh, yes, where the India bloc is doing fascinating, very, fascinating. Almost 35 seats to Samajwadi parties and 7 to 8 seats to Congress party, and it is a mark of more than a half seat in Uttar Pradesh, and you are also a member of parliament. From no, in fact, so in you fact, you're wrong at there because. बीजेपी वो सेइंग दिस इज अ देखो वो अयोध्या में पीछे हैं और प्रधानमंत्री जी वाराणसी में पीछे थे ना, तो जो प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान मानते हैं कि उनको भगवान ने भेजा गया तो वाराणसी में कैसे पीछे हो गए, भगवान का तो ये भगवान ने कहा होगा कि यार तुम्हें थोड़ा सबक सिखाऊंगा मैं। और जो प्रधानमंत्री एक घंटे के लिए या डेढ़ घंटे के लिए पीछे हो जाए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि उसी जगह अगर जनता का विश्वास उठ गया है चंद घंटों के लिए ही समझ लीजिए, उसका हक नहीं बनता प्रधानमंत्री रहने का। असलियत तो यह है कि साउथ में हाफ और उत्तर में हाफ, ये हिंदुस्तान का रिजल्ट लग रहा है मुझे। सर, साउथ की बात कैसे देखते हैं सर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस जबरदस्त, क्योंकि लोग से जुड़े हुए हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं कई बार आप ही के द्वारा जनता को बता चुका हूं, ये चुनाव पीपल वर्सेस मोदी, दिस वॉज पीपल वर्सेज मोदी। ये कहते रहे कि आपका चेहरा क्या है, अरे भैया चेहरा तो पीपल है, वो मतदाता चेहरा है, आपको नहीं चाहते वो, मतदाता वर्सेस मोदी। सर, किसी और चीज पे दो और बिंदु आपने बोला, साउथ में दो सीटें केरल में ऐसी जहां पर बीजेपी आगे चल रही और एक सीट पे तो अच्छे नंबर से आगे चल रही त्रिशूर में, तो वहां पर क्या लगता है आपको वहां, और कर्नाटका में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी डिस्पाइट के वहां स्टेट गवर्नमेंट थी कुछ, बड़ा बंगाल देखो, बंगाल में तो उनकी फीस घटती जा रही है,
असम देखो जहां उम्मीद ही नहीं थी हमारी सीट आ रही है, ठीक है ना। तो वो तो फिर ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन ये कह रहे थे कि देखो बंगाल में हमें इतनी बढ़त मिलेगी, याद हो आपको? हाँ, और किस किस्म की मतलब कि भाषा बोल रहे थे ये लोग, किस किस्म की भाषा बोल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन अबाउट द मणिपुर, दो सीटें मणिपुर में, इनर मणिपुर एंड आउटर मणिपुर, बोथ द सीट्स कांग्रेस पार्टी आर लीडिंग ऑन बोथ द सीट्स, यस, हाउ डू यू सी दिस? जस्ट इट शोज हाउ हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था मणिपुर पे, एक बार नहीं गए, एक बार ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और ऐसे शख्स को प्रचार करने दिया, इसके बेटे को, जिसके खिलाफ चार्जशीट है। और फिर ये बात करते हैं नैतिकता की, बात करते हैं कि नारी शक्ति की, देखो ना, अब ये लोग पहचान गए हैं कि असलियत क्या है। नो, सरप्राइजिंग कैसे है? कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो हारना ही था स्मृति जी ने, इसमें क्या शक है। Thank you. Thank you. Thank you.